प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। जी हाँ दोस्तों, पैसा आना शुरू हो चुका है। अगर आप लोगों ने अभी तक चेक नहीं किया तो कैसे चेक करना है, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों आज का ये वीडियो इसीलिए बना गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना से रिलेटेड जो यूजर जो नागरिक ऑनलाइन आवेदन किए थे उनका पैसा आया है या नहीं आया। अगर आप लोगों ने ऑफलाइन आवेदन किया था तो भी आज इस वीडियो में अपने चेक कर सकते हैं बिल्कुल एक क्लिक में, और भी अपने मोबाइल फ़ोन से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। नो लाइक नो कमेंट, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, आने वाली सभी जुड़ी जानकारी इसी तरह आपको मिलता रहे। सबसे पहले बिहार के सभी लाभार्थी के लिए सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर। बिहार के लाभार्थी का प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का पहली सभी लाभार्थी के खाते में आना शुरू हो गया किस्त। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को अपना पहली किस्त कहाँ से कैसे चेक करना होगा और सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। ओके, चैनल पर न्यू यूजर है तो जरूर ज्वाइन करिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना का पेमेंट कैसे चेक करें, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का पैसा देखने के लिए यहां पर मैं आप लोगों को ले चलता हूं और आपको दिखाता हूं। ठीक है, यहां पर ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल रहा है, आप लोगों को चेक करना है कैसे इसके बारे में भी बताऊंगा। और यहां पर मैं आपको यह भी जानकारी दे दूं कि अगर आपका भी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2021-22 के लिस्ट में नाम है तो आप लोगों की पहली किस्त 40 से 45,000 की आना शुरू हो गया है। ठीक है, यहाँ पर बात कर दूँ अपने लिस्ट में नाम कहाँ से और कैसे देखना है, आप पे आपका पेमेंट जो है कैसे चेक करना है। यहाँ पर ले चलते, यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पर ये दिख रहा है, यहाँ पर लंबा सा ये आप लोगों का प्रोसेसिंग है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ और आपको अपना नाम कैसे चेक करना है वो भी बताता हूँ। ठीक है, बस वीडियो को एंड तक बने रहें। ठीक, यहाँ पर मैं आप लोगों को देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पर पेमेंट चेक करने के लिए क्या करना होगा, आप लोग की पेमेंट कहाँ से और कैसे चेक करना होगा। तो आपके अकाउंट में ग्रामीण आवास योजना का, जी हाँ, आवास योजना का पहली किस्त आया है या नहीं आया, सबसे पहले आप लोग की चेक करने के लिए आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी या बेनिफिशरी नंबर होना जरूरी है। ठीक है, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप लोग जो है कहाँ से चेक, किस प्रकार से आप लोग मतलब कि निकाल सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पर यार लगे रहो बस, यहाँ पर देख सकते हैं क्या बोला जा रहा है, पीएम आवास योजना लिस्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, पीएम आवास पेमेंट स्टेटस चेक। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले मैं स्टेटस चेक पर क्लिक कर देता हूँ, थोड़ा सा देखिए यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा। ठीक है, और लिस्ट में नाम आएगा तो समझ लीजिए आपका पेमेंट जो है आ चुका है। ठीक, आप यहाँ पर दूसरा ऑप्शन देखिए, अगर मान लीजिए रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है आपके पास तो आपको चेक कैसे करना है, पेमेंट रिपोर्ट चेक, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यार चिंता मत करो। ठीक ना, यहाँ पर लिस्ट में भी नाम अपना देख सकते हो, कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या करना है, यहाँ पर ऑटोमेटिक, यहाँ पर देखिए मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा सा समझ लीजिए। आप जैसे कि ऑनलाइन आवेदन किए हो 2021 में तो 2021-22 सिलेक्ट कर लेना, अगर 2019 में आवेदन किए हो तो 2019-20 या 2020 में आवेदन किए हो तो यह ऊपर ही सिलेक्ट करना। ठीक है, अगर 2020 में आवेदन किए हो या 2021 में, अगर 2020 में किए हो तो इसको सिलेक्ट कर लेना, अगर 2021 या 22 में किए हो तो इसको सिलेक्ट कर लेना। तो मान लो इसको आपने उससे सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर देखो सिलेक्ट क्या बोल रहा है करने को देख लेते हैं, यहाँ पर आपको क्या करना है, सिलेक्ट ऑल सेंटर, यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को कुछ भी सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपका है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपका जो भी ग्रामीण है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना है, जो भी आवास योजना है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि एक मैंने सिलेक्ट कर लिया। ओके, अब यहाँ पर इस कैप्चा कोड को मिलाकर 34+10 मिलाकर यहाँ पर 44 डालकर सबमिट पर क्लिक कर देना है, आपका इस तरह भी चेक हो जाएगा। इसका भी लिंक आपको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो दोस्तों इस तरह के माध्यम से आप लोग चेक कर सकते हैं, दो अपडेट जो मैंने तरीका आपको बताया, ये तरीका बहुत अच्छा है। पहला तरीका रजिस्ट्रेशन नंबर से, दूसरा तरीका आप यहाँ पर लिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आई होप कि वीडियो पसंद आया हो, नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे न्यू नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।